साजापुर के सुजालपुर विधानसभा से कांग्रेस ने रामवीर सिंह सिकरवार को अपना प्रत्याशी बनाया। 2018 में रामवीर सिंह सिकरवार प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मामूली अंतर से हारे थे। दिल्ली से लौटते ही रामवीर सिंह सिकरवार का जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ है। सिकरवार अपने और कांग्रेस की जीत के प्रति काफी आश्वस्त नजर आए। उन्होंने ये दावा भी किया कि इस बार कमलनाथ के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। रामवीर सिकरवार से बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत पराशर ने। शाजापुर जिले के सुजालपुर विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर कांग्रेस ने रामवीर सिंह सिकरवार पर विश्वास जताया है और तीसरी बार फिर उन्हें अपना प्रत्याशी बताया है। अब आगे देखिए, हम उनसे बातचीत करते हैं। चुनाव में कांग्रेस ने अपने भरोसा जताया किस प्रकार से इसको मैं शीर्ष नेतृत्व काम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने पूरी कांग्रेस के वरिष्ठों ने मुझ पर भरोसा किया, मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूँ, ऐसा मेरा सारा प्रयास रहेगा। कितनी चुनौतियाँ मानते हैं भाजपा को इस समय चुनाव? देखो, चुनौतियाँ तो एक पार्षद का चुनाव होता है उसमें भी चुनौती होती है, लेकिन चुनौतियों से घबराना थोड़ी होता है। पिछले 5 साल के कर्मों पर कि मेरा साथी, मेरा परिवार, ये सुजालपुर विधानसभा मेरी परिवार है, परिवार की तरह से मुझे वोट करेगी, सपोर्ट करेगी। हमारे सारे साथी जो टिकट मांग रहे थे सब, और जो नहीं मांग रहे थे वो सब एक साथ पार्टी के निर्णय को सिरोधार करेंगे और निश्चित तौर पर सुजालपुर में कांग्रेस चुनावी मैदान में पूरे दमखम से उतर चुके हैं। असंतुष्टों को समझाएंगे, डैमेज कंट्रोल करेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं के बल पर इस चुनाव को जीतने का दावा आप कर रहे हैं। शाजापुर से IBC 24 के लिए अजीत पाराशर की रिपोर्ट।